अब तक मराठा समुदाय की तुलना कैकड़ों से करके उनका अपमान किया जाता था, लेकिन अब गांव में मराठा समुदाय आरक्षक के लिए एकजुट हो गया है और हम बच्चों को न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब उनका आगमन खामगांव शहर में हुआ तब उनका जगह जगह पटाखों की आतिशबाजी कर फूलों की बारिश में हर्षोल्लास के साथ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जिसके बाद भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मैदान पर रात 9:45 बजे सभा शुरू हुई। इस समय मराठा समाज के लोगों का मार्गदर्शन करते हुए मनोज जागरे पाटिल ने कहा कि महाराष्ट्र के कोने कोने में मराठा एक समाज एकजुट है। मराठा बच्चों के सपने चकनाचूर हो गए हैं। समाज को बांटने के लिए प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अगर हम ईमानदारी से मराठा समुदाय के लिए काम करें और सरकार से आरक्षण प्राप्त करें तो मराठा समुदाय के लड़के लड़कियों के चेहरे पर खुशी तब तक शांत नहीं होगी तब तक कि नेता मदद के लिए आगे नहीं आएंगे। वहीं बैठक की व्यवस्था की गई थी। सभा में हजारों मराठा समुदाय के भाई बहनों ने भाग लिया, इसलिए देखा गया कि लगभग 5 एकड़ का मैदान हाउसफुल था।